व्यापारी प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक अनाज मंडी में व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में अनाज मंडी की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। व्यापार मंडल के प्रांतीय बजरंग दास गर्ग ने कहा कि 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की खरीद आरंभ होने जा रही है। सरकार को गेहूं खरीद व उठान का भुगतान समय सीमा पर करना चाहिए, जबकि गेहूं खरीद का उठान काफ़ी लेट होने से मंडियां गेहूं से भर जाती हैं और मंडियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें गाड़ियों की लगनी शुरू हो जाती हैं, जिस कारण किसान आढ़ती व आम जनता को भारी दिक्कत आ जाती है। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि गेहूं खरीद के साथ साथ 72 घंटे में गेहूं खरीद का भुगतान सरकार को अपनी घोषणा के अनुसार करना चाहिए। गेहूं खरीद के भुगतान के साथ साथ आढ़तियों व कमीशन व मजदूरों की लेबर भी गेहूं भुगतान के साथ ही की जाए। हरियाणा के अंदर किसान की गेहूं की खरीद सरकार द्वारा 1 अप्रैल से शुरू की जा रही है। मेरी सरकार से अपील है कि गेहूं खरीद के लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध सरकार को करने चाहिए। हर मंडियों में जो खरीद सेंटर उनके साथ जो सरकार ने बनाए हैं, हर खरीद सेंटर में और मंडियों में मूलभूत सुविधा की व्यवस्था सरकार अपनी तरफ से करे, जिसके पीने की पानी की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, तिरपालों की व्यवस्था, लकड़ी क्रेट की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जो हर बार दिक्कत आती है, यहाँ तक कि जो सरकार जो गेहूं उठाना ठेका ठेकेदार को देते हैं, ये ठेकेदार पैसे खाने के चक्कर में गेहूं उठान डैन करके लेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लेट करेंगे तो पर कट्टा 5-5 रुपए 700-700 रुपए ये उठान के नाम के रिश्वत के नाम के लेते हैं। सरकार को ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर गेहूं खरीद का उठान होना चाहिए और 72 घंटे के अंदर अंदर जो सरकार गेहूं परचेज करे, जो भी एजेंसी परचेज करे, गेहूं लिखने के तुरंत प्रभाव के बाद 72 घंटे के अंदर गेहूं खरीद की भुगतान सरकार को करना चाहिए। उसके साथ साथ आरपीओ जो कमीशन है, जैसे भुगतान जो किसान की फसल का भुगतान सरकार करती है, उसी के साथ साथ आरपीओ का कमीशन, मजदूर की जो लेबर है उसकी मजदूरी और सिलाई का भी भुगतान सरकार को करना चाहिए, क्योंकि 2-2 महीने तक ये लोग गेहूं परचेज की भुगतान नहीं करते और आरपीओ का जो कमीशन 6-6 महीने नहीं देते। और जब अपना पैसा लेना होता है तो तुरंत प्रभाव से ये नोटिस काट कर ब्याज समेत आरपीओ से पैसे वसूलते हैं। सरकार से मेरी पुण्य अपील है, गेहूं परचेज के पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करते हुए हर प्रकार की मूलभूत सुविधा सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए।